गाइस, जैसा कि आपको पता है, आज मैं अपनी डर्ट को लेके फर्स्ट टाइम निकला हूँ लगभग सारे मॉड्स होने के बाद। तो आज हमारी जो प्लान हुआ है वो हुआ है सूर्यधार झील, जो कि पड़ती है थानो एरिया के पास। तो वहाँ पे ये लगता है हमको कि थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी होने वाली है और जगह भी नहीं है, तो देखते हैं क्या कुछ आज की राइड में होने वाला है। राजा भोके आके सीधी लगी दिल पे जैसे कचरिया। हमें बिल्कुल भी गाइस फॉलो करने की कोशिश ना करें जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना हो अपनी राइडिंग स्किल्स पर। और इसी के साथ मेरे आगे चल रही है ZX10R और यहाँ पे एक गहरा टर्न आता हुआ नी डाउन करने की पूरी कोशिश, और बहुत ही बढ़िया तरीके से नी डाउन कर दिया है, लीन करते हुए निकल गए हैं पूरे टर्न से। और गाइस मैं आपको हाईलाइटेड पार्ट्स ही दिखाने वाला हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसका ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। तो हाईलाइटेड पार्ट्स ही मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। और इसी के साथ यहाँ पर ZX10R गायब होती हुई मेरी है। और यहाँ पे हम लोगों से पूछ रहे हैं सही रास्ता कि कहाँ जाना है, तो उन्होंने बता दिया वहाँ की लोकल्स ने कि यहाँ से कहाँ हमको जाना है। तो यहाँ से अब हम निकल रहे हैं सीधा, और रोड यहाँ से थोड़ी साफ दिखाई दे रही है और वकील साहब की बेताबी पीछे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे थोड़ा सा इशारा होते हैं और सारे लोगों ने गाड़ी पेल यहाँ पे शुरू कर दी दोबारा से। क्या होगा इधर? तो गाइस थानो चौक से सीधा आके हमने ले लिया यहाँ से लेफ्ट, और यहाँ पे हमें एक रास्ता मिल चुका है जहाँ पे लिखा था कि सूर्यधार लेक जा रहा है। और थोड़ा सा खराब रास्ता है, थोड़ी अच्छी खासी यहाँ पे ऑफ रोडिंग वाली रोड हमें मिलने वाली है। और फिलहाल मैं खड़ा हो गया हूँ और ये करने के लिए मुझे कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, बहुत ही इजीली ये चीज़ हो जाती है। हैंडल बार मेरे हाथ के बहुत क्लोज होते हैं और मेरे पैर पूरे पहुँच जाते हैं फुटबैक तक। और लेफ्ट साइड में ट्रिपलिंग करती हुई तीन लड़कियाँ जा रही बिना हेलमेट के, क्या सीन है पता नहीं, यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं। और वकील साहब यहाँ से ऊपर मुझे देखते हुए, और यहाँ पर एक और ट्रिपलिंग पे जाती हुई लड़कियाँ बिना हेलमेट के, कुछ तो चक्कर है यार इस जगह में। और थोड़ी सी खराब रोड आती हुई और थोड़े से पानी के साथ छपाछप करते हुए निकल रहे हैं। और मेरी बाइक के साथ एक एडवांटेज यहाँ पे ये भी है कि मतलब इस रोड पर टायर जो मेरे ऑफ रोडिंग के लगे हुए हैं सस्पेंशन में थोड़े हाई हैं, और बाकी जितनी भी गाड़ियाँ हैं स्पेशली जो स्पोर्ट्स बाइक हैं उनको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है। और क्योंकि हमें एक्चुअली में पता नहीं था कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ऑफ रोडिंग होगी, प्री प्लान्ड नहीं था। और कोइंसिडेंट ये था कि आज मैं अपनी डर्ट को आजमाने के लिए ले आया, और जैसे कि आप देख रहे हैं मैं कितना एफर्टलेसली भगाता हुआ जा रहा हूँ, सारी बाइकें पीछे छूट गई हैं और पीछे धूल उड़ती भी जा रही है। अभी आपको मैं दूसरे शॉट्स में दिखाऊंगा कि कैसे पीछे धूल उड़ाता हुआ मैं जा रहा हूँ, और सारे के सारे जो दूसरे राइडर्स हैं मुझे गालियाँ दे रहे होंगे पीछे से कि मतलब हमको पहले तो गलत जगह लेके आ गए ऑफ रोडिंग के लिए, और खुद यहाँ पे मतलब पूरा स्टाइल मारते हुए मैं आगे जाता हूँ भगाता हुआ स्ट्रेट रोड पे, मतलब कोई एफर्ट नहीं लग रहा है और गाड़ी में कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है, पेलते हुए मैं जा रहा हूँ 60-70 की स्पीड पे। सो गाइस हम पहुंच तो गए हैं उस जगह, बट ये जो जगह है इतनी कुछ खास है नहीं, तो हम ज़्यादा देर यहाँ पे रुकते नहीं हैं और वापस दौड़ जाते हैं। तो अब मेरा जो कैमरा है वो चला गया है।
पास और मैं चल रहा हूँ आगे, तो आपको पीछे से पूरा का पूरा व्यू मिलने वाला है मेरी बाइक का और मेरी राइडिंग का। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा, हमारी इस ट्रिप की जो डेस्टिनेशन थी वो इतनी खास बढ़िया नहीं थी, तो हमारे में से जो जितने भी राइडर्स थे इंक्लूडिंग मी, हम लोग इतना सेटिस्फाइड नहीं थे इस राइड से। तो इस राइड के बाद हम आगे तो और जाने वाले हैं, कुछ थोड़ा और राइड करने वाले हैं। और तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अपनी NS में पूरा एफर्ट लगा रहा है, पर वो उस तरीके से नहीं चला पा रहा जिस तरीके से डर्ट चल रही है, जो कि एक ऑब्वियस रीजन है कि उसमें ऑफ रोडिंग टायर लगे हैं, सस्पेंशन का फर्क है। सो गाइस, ये एडवांटेज है और ये बखूबी ये चीज यहाँ पे साफ पता चल रही है। अब हम पहुंच गए एक ब्रिज पर, तो एक व्हीली ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बहुत कुछ एक्साइटिंग करने वाले हैं और मैं चलाने वाला हूँ RC 200 और बढ़िया लीन गेम हमारा होने वाला है, और साथ ही मैं डर्ट के साथ टेस्टिंग करने वाला हूँ हिल की रोड पर और कैसा परफॉर्म कर रही है डर्ट वहाँ पर, ये भी आप लोग देखेंगे। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दे रहा हूँ अगले पार्ट के। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।